पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में कुमाऊं के दौरे पर रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए योजनाओं की छड़ी लगा दी और पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ की जनसभा के दौरान ही 4200 करोड़ की विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान आपको बताते चले कि 4200 करोड़ से 23 बड़े काम होंगे, जिसमें की स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पेयजल, खेल, कृषि, उद्यान, आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाएं शामिल है। पीएम ने 76 ग्रामीण सड़कों, 25 पुल, 15 नए बीडीओ ऑफिस और 3 एनएच पिथौरागढ़ की थरकोट कृत्रिम झील का जहां उद्घाटन किया, वहीं पॉली हाउस निर्माण योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश में 21,000 से ज्यादा पॉली हाउस बनेंगे। पीएम ने देहरादून में बनने वाले नए स्टेट डिजास्टर सेंटर का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही नैनीताल में बलिया नाले के ट्रीटमेंट, अल्मोड़ा चंपावत के अस्पतालों का अपग्रेडेशन, हल्द्वानी में हॉकी के लिए बनने वाली एस्ट्रोटर्फ, मंदिर माला मिशन के तहत आने वाले जागेश्वर हाट, कालिका नैना देवी मंदिर के जीर्णोद्धार, मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत के साथ ही हल्द्वानी में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की। और यही नहीं, प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 4000 करोड़ के पैकेज का ऐलान भी कर दिया है और इस 4000 करोड़ से आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा, जिससे आपदा के समय लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। आज का दिन उत्तराखंड और उत्तराखंड की बीजेपी के लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि पीएम मोदी के आने से एक ही दिन में बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की पूरी पिच तैयार कर ली। उत्तराखंड के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी लोकसभा चुनाव के ऐलान में भले ही अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन बीजेपी ने उत्तराखंड में सीमांत जिले पिथौरागढ़ से चुनावी आगाज कर डाला है। सर्दियों के आगाज के साथ ही पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा ने राज्य का चुनावी माहौल गर्मा दिया है। पीएम मोदी ने इस सोर घाटी से एक दो नहीं बल्कि 23 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण कर डाला, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पेयजल, खेल, कृषि, उद्यान और आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, जो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में पूरे जोश से जुटी हुई है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा वही है, हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानसखंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा। जाहिर है चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री की इन बड़ी घोषणाओं से बीजेपी के नेता जोश से भरे हुए हैं और इसीलिए अभी से वो दावा करने लगे हैं कि बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्य की पांचों सीटें जीतने वाली है। और यहाँ की जनता के लिए उन्होंने मानसखंड और जितनी परंपरा की अपनी योजनाएं हैं उनका भी आगाज किया है। इस देवभूमि के सभी कार्यकर्ता, इस देवभूमि की सारी जनता उनका बहुत आभार व्यक्त करती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह का जनता में उत्साह था, सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक 7 किलोमीटर के अंदर लाखों की संख्या में लोग उमड़ पड़े, उससे ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि मोदी जी के सामने कोई भी नहीं है, मोदी जी पे उत्तराखंड की जनता का अटूट विश्वास है। देखो, पांचों सीटें तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन हम पांचों सीटें इस बार 50+1 से जीतना चाहते हैं। पीएम की इन घोषणाओं से पिथौरागढ़ की जनता भी गदगद है। उन्हें उम्मीद है कि अगर पीएम मोदी द्वारा घोषित कार्य धरातल पर उतरते हैं तो तस्वीर बदलना तय है। नरेंद्र मोदी जी आए, हाँ, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा, हमने उनको सुना, उनकी योजनाएं सुनी, तो हमें बहुत अच्छा लगा उनके बारे में सुन के, और उन्होंने जो हमारे उत्तराखंड के बारे में बोला, बहुत हमें अच्छा लगा। आज मोदी जी हमारे बीच आए और हमें लगता है कि ये जो योजना है इससे उत्तराखंड की तस्वीर जरूर बदलेगी।
जाहिर है जनता जहां घोषणाओं से उम्मीदों का दामन थाम चुकी है, वहीं उत्तराखंड बीजेपी भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सपना सजो बैठी है, क्योंकि पीएम के इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक ऐसी बूस्टर डोज मिली है जिसका इस्तेमाल आने वाले चुनाव में पार्टी करेगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान में भले ही अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीमांत जिले पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली करा करके एक तरीके से चुनावी आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री की लोकलुभावन घोषणाएं भी इस ओर साफ इशारा कर रही हैं। सहयोगी विजयवर्धन और कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ शैलेन नेगी, न्यूज 18 पिथौरागढ़। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पूरी कैबिनेट नजर आई। इसके साथ ही पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, नैनीताल सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और अल्मोड़ा के सांसद और पूर्व मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। लेकिन हैरानी की बात तो ये रही है कि पूर्व सांसद और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत रैली में मौजूद नहीं रहे। इसके साथ ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रैली से दूर रहे, तो वहीं टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह भी पिथौरागढ़ की रैली में नहीं पहुंचे। अब इनके नहीं पहुंचने से कई तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। पिथौरागढ़ में जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी आदि कैलाश के दर्शन के लिए पहुंचे। धारचूला तहसील के ज्वेलिंगकांग पहुंचकर पीएम मोदी ने आदि कैलाश के साथ पार्वती कुंड के दर्शन किए और फिर पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां न सिर्फ पूजा अर्चना की बल्कि शंख बजाया, परिक्रमा की। यहां तक पहुंचने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब आज आदि कैलाश पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए, विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं पहली तस्वीर में, दूसरी तस्वीर में आप उनको शंख बजाते हुए देख सकते हैं, तीसरी में वो शिव साधना में पूरी तरीके से लीन है और चौथी तस्वीर में आप देखिए पार्वती कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं। आदि कैलाश के दर्शन करके उन्होंने एक संदेश भी दे दिया कि उत्तराखंड के 5वें धाम में यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित है, सुगम है। आपका स्वागत है। अगर आप आदि कैलाश, पार्वती सरोवर और पार्वती मंदिर के बारे में नहीं जानते तो आज से आप सब जान जाएंगे, क्योंकि पहली बार देश के प्रधानमंत्री यहां पहुंचे और पीएम मोदी के यहां पहुंचने से यहां की फिजा पूरी तरीके से बदल गई। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई से आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन अलौकिक तस्वीरों से उत्तराखंड में 5वें धार्मिक धाम की भूमिका तैयार हो चुकी है और ये धाम होगा भगवान शिव का पवित्र धाम आदि कैलाश, जिसका जिक्र मानस खंड में आता है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ आदि कैलाश के दर्शन किए बल्कि यहां स्थित पार्वती सरोवर और पार्वती पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री पूजा के दौरान रंग यानी शौका संस्कृति के विशेष परंपरागत ड्रेस में दिखे। प्रधानमंत्री शिव और पार्वती के इस अद्भुत धाम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में मौजूद कई धार्मिक स्थलों का जिक्र किया और इन्हें आस्था का बड़ा केंद्र करार देते हुए इनकी तस्वीर बदलने का ऐलान भी कर डाला। मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने विश्वभर के पर्यटकों को आदि कैलाश के साथ ही मानस खंड में शामिल मंदिरों में आने का निमंत्रण दे डाला और ऐलान कर दिया कि उनकी तस्वीरें देखने के बाद पर्यटक आदि कैलाश और जागेश्वर को ढूंढते हुए चले आएंगे। अनुभव कहता है कि जो लोग
बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं, वे भविष्य में इस ओर जरूर आएंगे। उनको इसी क्षेत्र का पता नहीं है और आज जरूर वीडियो जब टीवी पर देखेंगे ना, ये मोदी चक्कर काट के आया है, आप देख लेना, हर एक को करेगा यार कुत्तो होगा। और आप तैयारी करो, यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है, मेरा मानस खंड धमधम होने वाला है जी। यही नहीं, प्रधानमंत्री आदि कैलाश के बाद भारत नेपाल और चीन सीमा पर पड़ने वाले अंतिम गांव गुंजी भी पहुंचे, जिसे प्रधानमंत्री देश का अंतिम नहीं बल्कि पहला वाइब्रेंट विलेज मानते हैं। यहां प्रधानमंत्री खुद को ढोल दमाओं बजाने से नहीं रोक सके। पीएम यहां के लोगों का प्यार देखकर गदगद दिखे, जिसका जिक्र उन्होंने पिथौरागढ़ में हजारों की भीड़ के सामने किया। पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को, सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था, जो अंतिम है विकास के मामले में उसका नंबर भी आखिर में ही आता था। ये भी एक पुरानी सोच थी, हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। जाहिर है पीएम मोदी के सीमांत इलाके में पड़े कदम यहां की तस्वीर बदलने वाले हैं, क्योंकि जो लोग अभी तक बाबा केदार या बद्रीनाथ तक ही सीमित थे, उनके लिए आदि कैलाश एक ऐसी जगह है जहां न सिर्फ भगवान शिव की आराधना हो सकती है बल्कि साक्षात मां पार्वती भी यहां विराजमान है। ऐसे में बेहतर सुविधाएं यहाँ शिव भक्तों का मजमा लगा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश को उत्तराखंड का पांचवा धाम बनाने का संकल्प लिया है। अगर यह संकल्प साकार होता है तो निश्चित तौर पर कुमाऊं का ये इलाका धार्मिक पर्यटन के केंद्र में नंबर वन का स्थान हासिल करेगा। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ के गुंजी गांव भी पहुंचे। यहां की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहां पीएम मोदी लोगों से रूबरू हुए और ये तस्वीर आज की सबसे खास तस्वीर थी, जब पीएम मोदी स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए नजर आए। गुंजी गांव पहुंचकर पीएम मोदी के यहां पहुंचने पर उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांव वालों से मुलाकात की और साथ ही पीएम मोदी जवानों से भी मिले। इस वक्त आप अलग अलग मुलाकातों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप देखिए पीएम मोदी जब गुंजी गांव पहुंचे तब कैसे उनका स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर में ग्रामीण महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत भी किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में आप देखिए उनको भेंट भी दी जा रही है, यहां पर भी वो संवाद स्थापित कर रहे हैं, जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और पांचवी तस्वीर जो प्रधानमंत्री मोदी का अलहदा अंदाज आमतौर पर देखने को मिलता है, ढोल दमाऊ यहां पर बजाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी शिव के बड़े धाम जागेश्वर भी गए और पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में आकर पूजा अर्चना की। पीएम ने आधे घंटे तक यहां पर पूजा अर्चना की और मास्टर प्लान की जानकारी भी ली। वो तस्वीरें भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की, लेकिन जागेश्वर धाम पहुंचने के लिए पीएम मोदी को 15 किलोमीटर की दूरी कार से तय करनी पड़ी। देवदार के घने जंगलों के बीच बसा जागेश्वर पीएम मोदी को इतना पसंद आया कि पीएम मोदी ने यहां के पुजारियों को आश्वासन दिया कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक बार फिर जागेश्वर धाम आएंगे। रुद्राभिषेक कराया, पंचामृत अभिषेक कराया, तो हमें आशा है कि जल्दी फिर बार बार यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आते रहेंगे। आपका 20 से 25 मिनट जागेश्वर मंदिर में रहे हैं आपका, जिनमें उन्होंने पूजा दर्शन किया और मास्टर प्लान जो जागेश्वर के तहत बनने वाला है उनके, उसका उन्होंने जायजा लिया। जागेश्वर धाम में स्कूली बच्चों ने भी पीएम मोदी का स्वागत कुमावनी परिधान पहन कर किया और पीएम से मिलकर काफी खुश हुए। महिलाओं ने भी पारंपरिक परिधान में नृत्य किया। आज हमने प्रधानमंत्री को अपनी आंखों से पहली बार देखा तो मैं बहुत, मतलब जब हमने उनसे हाथ हिलाया तो वो हमें, मतलब
अपनी एक्साइटमेंट को मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया यहाँ पे। हमें पता चल गया था कि मोदी जी का प्रोग्राम है और मंदिर के लिए स्पेशली आ रहे हैं, तो एक तो हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है और देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं जो जागेश्वर आकर पूजा अर्चना की और आधे घंटे तक अलग अलग मंदिरों में पीएम ने पूजा अर्चना की, पुजारियों से वार्ता की, मास्टर प्लान के बारे में जानकारी ली कि किस तरह से जागेश्वर का विकास किया जाएगा। मानसखंड में मुख्य मंदिर के रूप में जागेश्वर मंदिर है जो मानसखंड की कल्पना की गई है, उसमें जागेश्वर से ही मुख्य मंदिर उसका कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा और लोगों को किस तरह रोजगार मिलेगा। किशन जोशी, न्यूज 18, जागेश्वर, अल्मोड़ा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के प्यार से अभिभूत दिखे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आध्यात्म और शौर्य की धरती है और इस धरती का मैं वंदन करता हूं। जिस तरीके से पीएम मोदी का यहां स्वागत किया गया, आप देखिए सड़क के दोनों छोर पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। हर कोई यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठा था और पीएम मोदी भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए और इस स्वागत, इस अभिनंदन से वो अभिभूत भी दिखे और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आध्यात्म और शौर्य की धरती है, मैं इस धरती का वंदन करता हूं। को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। कुछ ही देर पहले मेरी मुलाकात हमारी सीमा के प्रहरियों, हमारे जवानों के साथ भी हुई है। मुझे स्थानीय कला और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हमारे सभी बहने भाई, उनसे भी मिलने का मौका मिला। यानी भारत की संस्कृति, भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि से जुड़े हुए इन तीनों स्वरूप में इस प्रकार से मेरी ये नए प्रकार की यात्रा भी जुड़ गई, सभी के दर्शन एक साथ हो गए। पिथौरागढ़ के कार्यक्रम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से वापस लौटे सीएम ने प्रधानमंत्री के दौरे को अविस्मरणीय बताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम के आने से न केवल यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी बल्कि यहां भी विकास के काम चारधाम के तर्ज पर कराए जाएंगे। आज बहुत ऐतिहासिक उनकी जनसभा हुई और उनका जो दौरा था वह भी ऐतिहासिक था, क्योंकि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश पहुँचे, पार्वती कुंड पहुँचे, जागेश्वर धाम पहुँचे हैं। और उनके इस दौरे के बाद निश्चित रूप से जैसे केदारखंड में उनके प्रवास के बाद केदारखंड का विकास हुआ, चार धाम ऑल वेदर रोडें बनी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनी, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, हेमकुंड और केदारनाथ के लिए रूप पे हवाई सेवाएं, केदारखंड में तेजी से विकास के काम आगे बढ़े हैं। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे, भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए। मुकेश अंबानी बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, उस विशेष पूजा अर्चना में वो शामिल हुए। भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना में हर साल मुकेश अंबानी शामिल होते हैं और इसी क्रम में वो इस साल भी यहां पहुंचे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो बद्री विशाल धाम पहुंचे, उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए। सुरक्षा का कड़ा पहरा यहां पर था, उनका स्वागत किया गया माला पहनाकर, और जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने यहां मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी स्वीकार किया। हर साल वो बद्री विशाल के दर्शन के लिए आते हैं और इसी क्रम में वो इस साल भी यहां पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे और बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्यों से भी उन्होंने यहां पर मुलाकात की है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है और 5 करोड़ का चेक सौंपा है जो कि दान स्वरूप उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति को दिया है।
बद्रीनाथ के दर्शन के बाद रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी आज ही बाबा केदारनाथ के धाम भी पहुंचे, जहां बाबा केदार के दर्शन पूजन के साथ ही महाभिषेक भी किया है। इस दौरान मुकेश अंबानी ने बद्री केदार मंदिर समिति को भी 5 करोड़ का दान दिया, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए दिए हैं। ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट और उनकी मां के साथ वो वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे।